लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वीडी शर्मा ने मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आपका एक मत लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा। मैंने अभी लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का उपयोग किया है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि आपका एक मत लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा, इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं आप भी आए और मतदान करें। 9 सीटों पर मतदान है मध्य प्रदेश के अंदर। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय का परचम फहरा रही है। इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं और आज मैं देख रहा हूं कि मतदान के लिए 6:30 बजे से इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग जो पहुंचे हैं, ये साबित करता है कि मतदान का प्रतिशत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहनें जो बड़ी संख्या में मुझे मतदान केंद्र पर दिखाई दे रही है, मेरे साथ भी जो पहला मत डाला वो मेरी मातृशक्ति ने ही डाला जिस बूथ पर, जो मेरा बूथ है, ये साबित करता है कि मातृशक्ति बहनों के प्रति कांग्रेस के इस दुरावस्था के दौर में जिन नेताओं ने माताओं बहनों पर जो आक्रमण किया उसका जवाब भी इस चुनाव में माताएं बहनें देंगी और ऐतिहासिक भावों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगी।